लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत देर कर देना, आज मनु आई रही घर पे, तनिक बातचीत में देर हो गई। का कहत रही थी मनु? ओके तो खूब चाव चढ़ा है ब्याह का, दिन रात बस सिलाई कढ़ाई में लगी रहते हैं। ये लीजिए दो गोलियां, एक अभी दे दीजिए, एक शाम को दे दीजिएगा। जी मैं जरा हाथ धो सकता हूँ? कुसुम तनिक हाथ धुलाए दे डॉक्टर बाबू के। जी हाँ, यही बरामदे में धो लीजिए ना। जी एक्चुअली माँ को हुआ क्या है डॉक्टर वृंदावन? कुसुम कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से तो ले आ गया। घर में कितने लोग हैं? होंगे कोई 8-10, नौकर चाकर ही ज्यादातर। माँ जी का आमतौर पर कौन ध्यान रखता है? यही लड़की कुसुम, यही पड़ोस में रहती है, वही ख्याल रखती है उनका। देखिए घर में सबको टीके लगवा दीजिए। क्यों, कोई कोई छूत की बीमारी है? यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि प्लेग फैलने के आसार हैं। मेरे डिस्पेंसरी में भी 2-3 केसेस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब मैंने कितनी बार माँ से कहा चलो शहर चलते हैं, वहीं इलाज करवाएंगे, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ। क्यों, क्या हमारे इलाज में कुछ शक है क्या? I mean, it's not like England here, you know. What's like England? अरे हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम है ना? तुम ही टीका लगवा लो। ये निशान कैसा? अपना नाम मिटाया था क्या? के हाथ में थमाए दो अपनी कुसुम को, ई उजड़ गवार से अब वृंदावन की शादी नहीं हो सकत। नहीं नहीं ऐसा न कही, हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाए। ई रिश्ते तो वही दिन टूट गवा जौन दिन कुसुम के बाप के खून का इल्जाम लगाए दिया हम पर। हाँ बोल देते हैं गर्दन कटाई दे जो फिर ई घर की तरह देखा मुड़के। अरे ये का पागल हो गई लीका, हाथ जरा बताई बेटी जो तुम्हारे भाग्य से मिट गल तई हाथ जराने से का फायदा? सबुर करा बिटिया सबुर कर। कुसुम अरे तू ये क्या कर रही है? ये क्या तू रो रही है? और ये सब क्या लेकर बैठी है? ये तेरी शादी का दुपट्टा है ना बचपन का? हाँ सुन, वृंदावन से मिली थी क्या? हाँ कहाँ, क्या बादल गांव गई थी? नहीं चौधरन के यहाँ आए थे, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सुधीर बाबू ने उन्हें नाम से बुलाया था तो पता चला। कोई बात हुई? तुझे पहचाना तो तू ये निशान दिखा देती ना, बता देती किस तरह जलाया था उसका नाम। देखा था, पहचाना नहीं, लेकिन उसी के सामने तो लिखवाया था ना बचपन में। उससे क्या होता है, मैं तो अपना सब कुछ मानकर बैठी हूँ, लेकिन उनके लिए मैं कुछ भी नहीं, गैर भी नहीं। कुसुम रो रही है, पागल हो गई क्या कुसुम? नहीं नहीं छी 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 रो मत कुसुम। क्या बात है, रसोई ठंडी दिख रही है? चौधरायन के नहीं गई आज? गई थी। बड़ी उदास लग रही है, कोई बात हुई क्या? सुधीर आया क्या? उसकी मोटर दिखी मुझे आज। हाँ
चौधराइन को लेकर शहर नहीं जा रहा है क्या? लेखराज की जड़ी बूटी खा के मरेगी वो भी। सुधीर ने जाने को नहीं कहा क्या? कहा था। फिर इलाज कराने शहर नहीं जा रही क्या वो? डॉक्टर आए थे बादल गांव से। ओ, बिंदा बनाया था। तुझे देखा उसने? हाँ। पहचाना नहीं? पहचानेंगे कैसे, कभी देखा थोड़ी है। तूने उसे कहाँ देखा है? 15 बरस के बाद तो आया शहर से, तुझे कैसे मालूम कि वो ही है? सुधीर बाबू ने नाम से बुलाया था उनको। उसका बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी देहाती बोलता है। चरण नाम रखा उसका। बाबा बाबा, इसके पेट में दर्द होता है। देखा, रोती है। तो हम क्या करें? इंजेक्शन दे दो ना। इंजेक्शन रहने दे, अब इसे सुला दे। इसके पेट में दर्द होता है, ये सोएंगी कैसे? ऐसे कर, माँ से कह वो सुला देगी। वो तो पूजा करती है। मेरी माँ नहीं बे, अपनी माँ से कह, काली है ना, वो इसे सुला देगी। ले ला दे ना, माँ ही ला दे इसे, हम दोनों सुखी हो जाएंगे। आ बेटा, दूध पी ले। जब ये रोएंगी तब इसे चुप करा लेना। ये अब कहाँ से ले आया? मामा ने दिए। अच्छा, मामा मिला है तुझे? पैसा वैसा लेता नहीं, हर तीसरे चौथे कोई ना कोई खिलौना ले देते। कौन है ये इसका मामा? कुंज है रे। कुंज कौन? वो तेरा कुसुम का भाई। कुसुम? वो थी ना बचपन में तेरी शादी की बात हुई थी जिससे। कुटनी? बचपन में से कुटनी ही बुलाया करता था तू। कुसुम नाम था उसका, यही रहती है वो? नहीं, तेरा ब्याह टूट जाने के बाद वो लोग सद्दीपुर जाके बस गए। कुसुम, आज एक लड़की को देखा था। बेटे, हाय राम, पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी घर के काम से। अरे, अभी तक लड़के ने दूध नहीं पिया। मुझे और नहीं पीना है, ये ले। आप लोग तो खराब कर दोगे लड़के को। अच्छा बेटे, कैसा माँ बेटे का प्यार पड़ा इन दोनों में देखा? तेरी कुटनी भी छुपे में यही करती थी। कुसुम, मुझे अपना बेटा कहती थी? नहीं रे, वो तो तुझे पति कहती थी। 6 बरस की थी तब कहती थी तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। तो इसका मतलब ये है कि शरद पूर्णिमा में तू यहाँ नहीं रहेगी? नहीं, बादल गांव में होंगी ना, अपने ससुराल में। बस 2 ही महीने रह गए तेरे ब्याह को। वो तो ऐसे मैंने कह रहे थे जब आए थे। वो आए थे? तूने देखा उसे? लो, मैं तो मिली भी हूँ कच्ची मड़ी में, वो जो खेतपुर के रास्ते में है ना, वहीं पर। हाय मोइन, तुझे डर नहीं लगता? तू अकेले चले गई? बिरजू ने संदेशा भेजा था तो चली गई। तू तो नाम भी लेती है उसका। तो क्या हुआ, तू भी तो लेती थी। असली नाम थोड़े लेती थी, वो भी छोटपन में मुझे कुटनी बुलाते थे और मैं मिट्ठू। अच्छा कुसुम, अब अगर वो तुझे लेने आएंगे तो तू जाएगी उनके साथ? मैं क्यों जाऊँ? खुद ही उसे पति मानती है और खुद ही। मैं मानती हूँ ना, वो थोड़े ही मानते हैं। तुझे कैसे पता है कि वो नहीं मानते? मानते तो शादी क्यों करते किसी और से? ऐसे गई गुजरी थोड़ा ही हूँ, सुहाग भी लूंगी तो भीख में। मैं जाती हूँ। तुम यही रहो बेटा, हम अभी आते हैं, फिर चलेंगे। हाँ बाबा, बाबा ये गुलेल रह गई आपकी। सुनो, तुम कुंज की बहन हो ना? तुम्हें याद है मैं तुम्हें बचपन में क्या बुलाया करता था? मुझे पहचानती हो ना? जी, बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। नमस्ते मौसी माँ। नमस्ते बेटा। लेटी रहिए। ठीक है बेटा।
कुसुम कहाँ है रे? नीचे हमका भेजन है, कोनो काज हो तो बताई दियो। काम हो जाए तो भेज दियो ऊपर। शायद डर गई हो, कहीं टिकाना लगा दो। बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी। अच्छी है तो फिर बेचारी क्यों? बेचारी नहीं तो क्या, बड़ी जिद्दी है मुँह। बचपन में शादी होके टूट गई थी, फिर ब्याह नहीं किया उसने। बहुत समझाया माँ ने भाई ने, पर एक ही न मानी। क्या शादी नहीं की उसने? होने को क्या, आज हो जाए, पर माने तब ना। नहीं तो ऐसी लड़की के लिए वर की कोई कमी है। लेकिन क्यों नहीं करती शादी? बस उसी को पति मान के बैठी है। समझाते समझाते माँ गुजर गई, और भाई है कि वो खुद भी शादी नहीं कर सकता जब तक बहन का न कर ले कुछ। तुम्हारा नाम चरण है ना? नहीं। तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा तो सुनो, लड्डू खाओगे? नहीं। क्यों? बाबा ने कहा है सबके हाथ का नहीं खाते। सबके हाथ से थोड़े कहती हूँ, अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा। तुम माँ थोड़ी हो। बदमाश, ये दो गोलियां हैं। वो लड़की है ना कुसुम, उसे खिला दीजिएगा। टीका तो लगवाएगी नहीं, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। पानी दो ना। और लड्डू नहीं खा गए? पहले माँ कहो फिर पानी दूंगी। पानी दो। पहले माँ कहो फिर पानी दूंगी। पहले पानी दो। पहले माँ कहो। बोलो। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ती भी नहीं, पानी भी नहीं देती। पहले बोलो। मुझे बुला दो। Mm-hmm.